सोलन के धर्मपुर में कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पहाड़ी दरकने से कुछ समय के लिए बंद हो गया। गनीमत यह रही कि उस समय हाईवे पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गईं। फिर आधे घंटे में सड़क से मलबा हटाकर यातायात को सुचारू किया गया, लेकिन डर के मारे कुछ देर के लिए लोगों की सांसें अटकी रहीं। भारी बरसात के चलते भूस्खलन का सिलसिला अभी भी जिला में जारी है, जिसके चलते दर्जनों भवन अब खतरे की जद में हैं। गौरतलब है कि ये वही जगह है जहां पहले भी भूस्खलन होने से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई थी। अब सीआरपीएफ कैंप पर भी खतरा मंडरा रहा है। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई को सरल करने स्कूली बच्चों की पढ़ाई को सरल बनाने के उद्देश्य से नौणी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला शमरोड में 6 दिवसीय अध्यापक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में कंडाघाट ब्लॉक के 44 अध्यापक और अध्यापिकाएं प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाए जा रहे इस प्रशिक्षण शिविर में शिक्षा के सरलीकरण और गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा छोटे बच्चों के बस्तों के बोझ को कम करने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं इस ट्रेनिंग में अलग अलग विषयों को बच्चों के लिए मनोरंजक एवं सरल करने की विधियां भी बताई जा रही हैं, जिससे बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़े। वहीं इस बात पर भी बल दिया जाएगा कि किस तरह से बच्चों में शैक्षणिक संस्कार और अनुशासन जैसे गुणों का विकास हो सके। शिविर में पहले दिन संपर्क फाउंडेशन की ओर से गणित को सरल एवं मनोरंजक बनाने के तरीके बताए गए। ज्योत्सना शर्मा ने बताया कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई को सरल बनाने के उद्देश्य से नौणी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला शमरोड में 6 दिवसीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शिविर में कंडाघाट ब्लॉक के 44 अध्यापक और अध्यापिकाएं प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। सोलन के दालाघाट में एक 15 वर्षीय छात्रा द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मामले की पुष्टि डीएसपी सोलन अमित ठाकुर ने की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका सीनियर सेकेंडरी स्कूल दालाघाट में 9वीं की छात्रा थी। मृतका के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने परिजनों द्वारा उस पर शक की वजह से आत्महत्या करना लिखा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंप दिया है। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी अमित ठाकुर ने बताया कि दालाघाट पुलिस थाने में एक सुसाइड नोट की सूचना मिली, जिस पर डीएसपी अमित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि दालाघाट पुलिस थाने में एक सुसाइड की सूचना मिली, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम करवाया। उन्होंने बताया कि मृतिका के शव का पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के संपन्न हुए चुनावों में सोलन में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। सोलन जोन में भाजपा समर्थित मदन ठाकुर ने कांग्रेस समर्थित मनीष भारद्वाज को